9 मई के हकीकी साजिशी मुजरिमों को सजा दें, ये हकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि 9 मई के हकीकी साजिशी मुजरिमों को सजा दें, बेगुनाहों और मासूमों को रिहा करें, ये हकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो गई। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हकूमत की ना कोई बात है ना औकात, ना मामलात है और ना हालात। मुल्क में सफ़े मातम बिछी हुई है, मुल्क की ग्रोथ मनफी हो गई है, कौमी असम्बली में बकने और बिकने वालों का जुमा बाजार लगा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम दिन में 3 बार बेकार खिताब कर रहा है, हकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं, पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट को छू सकती है, IMF से तो छुट्टी हो गई और डॉलर 307 रुपये का, दोस्तों से तन्हाई, मौशी तनज़ली, इक्तसादी तबाही, सियासी बहरान, ये है इनकी कारकर्दगी। गरीब के पास कब्र के पैसे नहीं, वो अल्लाह के बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है।